सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड के इस विशेष कार्यक्रम में। जय शिवम। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में ग्रह चक्र में हम बात करेंगे श्राद्ध पर्व की, जिसे षोडश श्राद्ध या महालय भी कहा जाता है। पंडित जी से जानेंगे कि इस विशेष पर्व में हम क्या कुछ करें, क्या नहीं करें, इस तिथि में हम कैसे अपने पितरों को मनाएं, उनको किस प्रकार से शांत करें, और कुंडली में अगर आपके पितर दोष हैं तो उन्हें किस प्रकार से उनका निवारण किया जाए, क्या छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि श्राद्ध पर्व क्यों मनाया जाता है और ज्योतिष में इसका विशेष महत्व क्यों है। जी, एक बड़ा प्रासंगिक शब्द का प्रयोग आपने करे हैं, महालय। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, उसमें विशेष रूप से महालय ही कहा जाता है, और महालय के साथ में उसे 16 श्राद्ध, कुछ स्थानों पर उसे 16 श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। पितरों का जो कार्य होता है, जो पितृ कर्म किया जाता है, उसके अनुसार विशेष रूप से ये कहा जा सकता है कि पितर आखिर क्या है और पितरों की शांति के लिए क्या क्या यजन करना चाहिए। देखिए, हमारी सनातन धर्म संस्कृति ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में पितरों का बड़ा सम्मान किया जाता है, और पितरों का सम्मान करने के पीछे आशय केवल यह है कि कतिपय उनके जीवित अवस्था के बाद जो हम उन्हें स्मरण करते हैं कि हमसे कोई कमी रह गई तो उसके पश्चात हम पूर्ति कर दें। सनातन धर्म में आप देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह ऋण में जन्म होता है। हम लोग ज्योतिष है, हमारे पास लोग आते हैं, मैं कर्ज में हूँ, मुझे पर ऋण है, तो हम लोगों को कभी कभी बड़ा अंदर से भाव आता है कि ये ऋण में ही जन्म लिए थे और ऋण को लेकर कितने चिंतित हैं। तो जो ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आप सच्चलन से चले, धर्म का मान रखें और उसका प्रचार प्रसार करें, उसके साथ शैली के साथ जीवन का यापन करें। ऋषि ऋण से अर्थ होता है कि शिक्षा के क्षेत्र, मठ मंदिर, उसके अलावा जो चिकित्सालय है, अनाथ आश्रम आदि है, उसके निर्माण में अपने धन को लगाना और उसे धन का शोधन करना। तीसरी बात आती है अब पितृ ऋण। पितृ ऋण आप देखते हैं कि जो जन्म होता है आपका माता और पिता के दाम्पत्य सत्संग से, और उस सत्संग के साथ में पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आप उनके कुल में जन्म लेते हैं, और कुल की अपनी नाना विधि से ऋण विस्तारण और ऋण के जो है हरण करने की विधियां हैं, उसके अंतर्गत जो है महालय है। महालय अर्थात ऐसा लय जो सदैव आपसे जुड़ा रहता हो। आप देखेंगे कि आपके माता पिता के देहांत होने के पश्चात भी आप उस लय में जुड़े रहते हैं कि ये मेरे माता थे, ये मेरे पिता थे। आस्था के अनुरूप आप भगवान की पूजन करते हैं, उस पूजन के अंतर्गत आपके इष्ट बदल सकते हैं, इष्ट का बल बदल सकता है, इष्ट का स्थान बदल सकता है, लेकिन पितृ एक ऐसे होते हैं जो चिरस्थायी होते हैं, इसलिए उसे महालय कहा गया है। ऐसा लय जो अपने आप में इतना महान और दिव्य है, जो कभी खंडित नहीं होता, मृत्यु के बाद भी उसके सर्टिफिकेट पर नाम लिखा होता है। अब ये 16 श्राद्ध जो हैं, इसके अंतर्गत विशेष रूप से अधिकांश ऐसा देखा गया है कि 16 श्राद्ध में आप जिस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल के जन्म के जो लोग हैं उनका ही केवल आप श्राद्ध करते हैं। लेकिन जो हमारा सनातन धर्मशास्त्र कहता है कि जब आपने अपनी माता के स्तन से दूध का पान करें तो उसका भी ऋण है, और वह भी पितृ कहलाती है देहांत के पश्चात। हर कुल का देहांत के बाद व्यक्ति जो होता है वो प्रेत होता है, और जो प्रेत होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृवस्था में आता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब संसार में यह वर्णन किया गया है कि श्रावण के मास में शिव पृथ्वी पर आते हैं, भादो के मास में कृष्ण और गणेश जी आते हैं, वैसे ही भादो और कुंवार के मास में पितृ पृथ्वी पर आते हैं और वो अपनी संतानों के पास कुछ आशा लेकर आते हैं। अंतिम इच्छाएं ये उनकी रहती, वो उसके फल प्राप्त करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो पितृ जो है, हमारे 16 संस्कार जिस प्रकार से होते हैं, उनके समस्त दोषों को नष्ट करने के लिए 16 श्राद्ध की एक परंपरा
ही नहीं बल्कि ये हमारा धर्म कहता है कि इसे करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति इसे करता है और निहित काल में ही इसको किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो है सतवाई अमावस्या के दिन भी इसको किया जाता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन पितृ का दिवस माना जाता है, उसमें पितृ की शांति कर्म किए जाते हैं और इस प्रकार से। लेकिन विशेष पर्व के रूप में जो मनाया जाता है वह महालय 16 श्राद्ध के रूप में, श्राद्ध पर्व के रूप में माना जाता है। बहुत विशेष जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने दी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन अपने पितरों को मनाने के लिए जो विशेष पर्व है ये भारत देश में ही मनाया जाता है, ऐसे हमारे संस्कार हैं। पंडित जी, ये भी माना जाता है कि पितरों के वाहक कौवे काग होते हैं, आखिर कौवे ही क्यों पितरों के वाहक माने गए हैं? एक ऐसी परंपरा बन गई कि जो हम पंचबली श्राद्ध कर्म के अंतर्गत देते हैं उसमें गऊ, काक, स्वान, खग और उसके पश्चात ब्राह्मण, ये पांच बलियां दी गई है। इन बलियों में कौवों को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि कौवों को ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में वो पितृ के रूप में गोचर करते हैं, ये उनको आशीर्वाद में प्राप्त हुआ, वरदान में प्राप्त हुआ, तो जो वो काक का रूप धारण करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर सुनीता जी, एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा ये धर्म है, इस धर्म के अनुसार योनियाँ अलग अलग है, 84 कोटि योनियों का वर्णन किया गया। उन कोटियों में मनुष्य का पार्थिव होने के पश्चात जो नया जन्म होता है, जिसे हम एक क्रम कहते हैं सृष्टि का, उस क्रम में गौ भी आती है, उस क्रम में काग भी आता है। इसलिए विशेष रूप से जो है गाय, कौवा और स्वान, जो राहु का कारक भी माना गया है, ये पूर्व जन्म का कारक माना जाता है, इसलिए उनका सबका पूजन का विधान विशेष रूप से बताया गया है। 16 श्राद्ध हम जब भी करते हैं तो 16 श्राद्ध को करने की विधि आदि क्या है, ये भी हम आपको इसी कार्यक्रम में बड़े विस्तार से बताएंगे। लेकिन जब भी श्राद्ध कर्म का समय आता है, समय से पहले हम कार्यक्रम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि उसके क्या क्या तैयारी करना चाहिए वो देख लें, आप पेन कागज लेकर बैठे उसे नोट कर लें और बड़े शांति के साथ अंतर्याग हमारा शुद्ध हो, ये ध्यान रखिए, अंतर्याग भीतर के अंदर भाव शुद्ध होना चाहिए, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। 16 श्राद्ध में क्या करें क्या ना करें ये भी हम आपको अभी बताएंगे, आचरण के साथ में क्या क्या और करना चाहिए। आचरण के साथ बाह्य जो आवरण है हमारा, बाह्य याग जिसे कहा जाता है, उसकी शुद्धि भी अनिवार्य है। और जब अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों में शुद्ध आत्मा हो जाती है तब पितृ का मूल रूप से हमें फल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी विशेष बात है कि जो हमारे पितर ये बड़े दुष्ट होते हैं, क्योंकि ये प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो इनकी मोह और माया समाप्त हो जाता है। ये जिस भाव विचार को लेकर आपके पास आते हैं वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन वो आपकी तनवाह में स्वतः उठते हैं। और इसीलिए जब हम 16 श्राद्ध करते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार के पकवान बना के और फिर उसके रीति से, जैसे मांसाहार को लेने वाले आदिवासी हैं तो वो अपने ढंग से श्राद्ध कर्म को करते हैं। देखिए, श्राद्ध कर्म को करने के लिए कहीं भी शास्त्र ने नहीं कहा कि केवल आप शाकाहार पद्धति से करेंगे, आपकी जो कुल की गौरव की पद्धतियां हैं उसके अनुसार उसको करते हैं और शास्त्र उसे स्वीकार भी करता है। क्यों? क्योंकि प्रेत जो होते हैं वो शाकाहारी कम होते हैं, उससे ज़्यादा अन्य अवस्था में होते हैं। आप देखेंगे ब्राह्मण कुल के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है ये दुखी होते हैं, ये दरिद्र माने जाते हैं, और कई बार ये बड़े ज्ञानी और सब होने के पश्चात भी अपमानित होते हैं। उसके पीछे कारण कि इनके पितृ जो शांत नहीं हो पाते, क्योंकि ये मांसाहार जैसा कोई भी प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन अन्य लोग बड़े फलते हैं, फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रेत को उनके रुचि के अनुरूप सारे पिंड आदि और फल आदि प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पितरों को मनाए कैसे, क्योंकि आत्मा की शांति बेहद जरूरी है। और पंडित जी, एक बात और यहाँ पर देखी गई है कि अकाल मृत्यु हो जाती है जिन के पूर्वजों की, या कुछ सन्यासी हो जाते हैं, इस प्रकार की भी कुछ बातें आती हैं, उनके लिए हम क्या करें ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पितृ दोष कुंडली में आखिर नजर कैसे आता है, उसको आप जाने कैसे? जी, देखिए, पितृदोष जन्म कुंडली में हमें देखना है तो पितृदोष क्रूर ग्रहों के साथ में आता है, विशेष रूप से सूर्य की पीड़ित अवस्था जो होती है किसी भी जातक के जन्म कुंडली में, वह पितृदोष को प्रतिपादित करती है। जैसे सूर्य के साथ में राहु होना, केतु होना, यह विशेष रूप से होता है। अन्य कुछ स्थानों पर बेलांतर फलक से जब देखते हैं, सूक्ष्म दर्शन करते हैं, तो उन सूक्ष्म दर्शन के अंतर्गत अन्य ग्रह भी इसमें काम करते हैं, जैसे विशेष रूप से मंगल के साथ केतु का हो जाना, यहाँ पर भी कई जगह पर पितृदोष लगता है और लागू होता है।
कुछ स्थानों पर नक्षत्र के आधार पर जी। जैसे जो गंडक नक्षत्र में जन्म होता है वो विशेष रूप से कहा जाता है कि हमारे पितृ हमारे कुल में लौटकर वापिस आए हैं, तो वह एक आधार होता है कि वो भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। ऐसी दशा में हम मूलगंड योग की जो शांति करते हैं, विशेष रूप से जो लोग शांति नहीं करते उनके कुल में शांति नहीं रहती, विचलित अवस्था रहती है। अब देखिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न करे कि कोई की मृत्यु होती है और वो अविवाहित होता है, अकालीन मृत्यु हो जाती है जिसे हम आकस्मिक मृत्यु कहते हैं। अब यहाँ पर हम वर्णन के साथ में आपको बता देते हैं श्राद्ध को कैसे मनाएं और कैसे करें। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो प्रतिपदा की तिथि होती है वो माता महा श्राद्ध के लिए विशेष रूप से मानी गई है, जिस माता ने आपको जन्म दिया सबसे श्रेष्ठ संसार में है, और उसके जो पितृ यदि उसके कुल के लोग तर्पण नहीं करते हैं तो उसकी बेटी को तर्पण करने के लिए अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो अपने संतान को आदेशित करती है। और विशेष रूप से क्या होता है, एक कुल होता है और दूसरा कुटुंब होता है। कुटुंब में माता पिता के दोनों परिवार के लोग आते हैं और कुल में केवल रक्त से संबंधित रिश्तों के लोग आते हैं। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी रचना की गई है श्राद्ध पक्ष में कि माता मां श्राद्ध जो प्रतिपदा तिथि के दिन पितरों के श्राद्ध के साथ विशेष रूप से करना चाहिए, उस दिन एक से नहीं बल्कि दो पत्तल निकालना चाहिए। एक यदि दादा दादी के नाम निकलती हो तो दूसरी नाना और नानी के नाम भी निकालना चाहिए, और ऐसा सर्वांगीण भाव के साथ में जब हम पितरों का निवेदन करते तो घर में सुख आता है, शांति प्राप्त होती है, धन का आहरण होता है, क्योंकि धन आपके पास अच्छा होता है पर प्रचुर मात्रा में आता है, इसलिए यह श्राद्ध करना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आपका था, आकस्मिक मृत्यु हो जाती हो, अकाल मृत्यु हो जाती हो। अब अकाल मृत्यु में भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक विवाहित होता है और दूसरा अविवाहित होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले अविवाहित को। अविवाहित व्यक्ति है और उसको कोई भी संस्कार ना हो, जैसे जनेऊ नहीं होना, नामकरण संस्कार के पश्चात और 8 वर्ष से आयु के अंदर, यानी उसकी वैर्य क्षमता और लड़की की रजोगुण क्षमता ये जब तक पैदा ना हो, रजोगुण धर्म ना आए और उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनको कहा जाता है मुंजा। चाहे उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो या फिर उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु दुर्घटनावश हुई हो, तो ऐसे जो हमारे पितर माने जाते हैं उनका पूजन, उनका तर्पण, उनका आवाहन जो होता है, जो उनका पिंड आदि देते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, वो पंचमी तिथि निर्धारित है। और वह जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है, क्योंकि पीपल में उनका वास होता है, और चूंकि वो कुलीन तो है, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ है, हल्दी नहीं लगी, शुभ कर्म नहीं हुआ तो वो द्वार पर नहीं आते, अर्थात वो पिपलाद पर ही होते, तो वहाँ पर पिपलाद के पास जाकर उनका तर्पण करना चाहिए, पिंडा पूजन करना चाहिए। और बहुत अच्छा उसका एक सुंदर उपाय बताया है, एक पत्तल में जो घर में पकवान बने वो पूरे ले आकर वहाँ रखें, और एक मट्टी की डोबली उसमें जो है दूध कच्चा और उसके साथ में लड्डू विशेष रूप से मोती चूर के वो रखकर उनके शांति भाव के लिए निवेदन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रगम उपाय बताया गया है। इसके पश्चात फिर हम आते हैं अज्ञात तिथि के अंतर्गत या सौभाग्यवती स्त्री, इनका जो है तर्पण विधान का विशेष दिवस तय है, और वह जो दिवस तय है वह नौमी तिथि है। चाहे वो किसी भी प्रकार की स्त्री हो, सौभाग्यवती हो अथवा सौभाग्यवती ना भी हो, तो जो तिथि भी हम श्राद्ध करते उस पर करें। देखिए यहाँ पर एक बात और विशेष है, तिथि की गणना बड़ा विशेष होता है, आज की जो नई पीढ़ी है शास्त्रों से कुछ दूर भी रहती है, और इसकी तिथि का हम ज्ञान कैसे निकालेंगे, तो तिथि का हम निर्धारण आकलन जो करते हैं, कई बार होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम को हो गई लेकिन उसको दाग दूसरे दिन देते हैं, कई बार दो दो तीन तीन दिन तक के शव को रोकते हैं और फिर दाग देते हैं, तो जिस दिन सौदाह किया जाता है जहाँ शव भस्म हो जाता है उस तिथि से पितृ के तिथि की गणना की जाती है श्राद्ध कर्म के लिए। तो जिस तिथि पर महिला का मोक्ष हुआ हो और उसे सौदाह दिया गया, तो वहाँ पे सौदाह की तिथि पर एक तो उसका पितृ किया गया तर्पण किया जाता है, उसके पश्चात कुल की समस्त जो महिलाएं हैं जो ज्ञात और अज्ञात अवस्था में छूट गई हो 7 पीढ़ी की, उनका जो पिंडा, उनका जो श्राद्ध कर्म है
वह नवमी तिथि को किया जाता है और नवमी तिथि को किया जाना सबसे श्रेष्ठ माना, उससे वो प्रसन्न होते हैं। अब फिर आपने एक बहुत सुंदर प्रश्न साथ में हमारे से किए थे कि कोई सन्यासी बन जाता है, बड़ा ही अच्छे प्रश्न है, सन्यासी बन गए। शास्त्र ने दो विधि बताई है इसमें। नंबर एक, जब वो सन्यास लेता है तो सबसे पहले वो यति कर्म जो होता है, यति धर्म जो होता है, उसका पालन करता है। आप देखेंगे जब कुंभ का मेला लगता है और वहाँ पर जो युवा या जिस भी अवस्था के लोग हैं वो सन्यास लेते हैं जी। तो उनका जो विरजा संस्कार होता है और उस विरजा संस्कार को तर्पण के संस्कार से जोड़कर देखा जाता है, उस समय उसका केश लोचन आदि होता है। केश लोचन आदि होने के पश्चात उसका फिर उपनयन धारण करता है और उपनयन धारण करने के साथ साथ हाथ में कुशा आदि रखकर और स्वयं की जीव का, स्वयं की आत्मा का, क्योंकि वो परिवार का परित्याग कर दिया तो वो उनका बोझ नहीं है, तो अपना स्वयं का तर्पण कर देता। पहला तर्पण तो सन्यासियों का इस प्रकार से हुआ जी, ये हुआ। अब उसके बाद देखिए फिर परंपरा ही दूसरी। मैं माता पिता की संतान था, पितृ शांति के लिए पितृकर्म करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता की आज्ञा से मैंने सन्यास लिया और सन्यास धर्म का पालन करते हुए अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो गया जी। तो जो गुरु है उसे पिता के तुल्य माना गया। अब देखिए उसका गुरु जो है वो भी सन्यासी, उसका यति कर्म हो चुका है, लेकिन चूंकि गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, गुरु आपके जीवन को साध रहा है, साधक बना रहा है जी। तो उसका ऋण आपके ऊपर है, तो उसके ऋण की जो है प्रदायता के लिए हम जो है एकादशी तिथि के अंतर्गत कुछ जगह पर वैष्णव संप्रदाय के होते हैं अखाड़ों में, तो वहाँ द्वादश तिथि का वर्णन किया गया है। तो एकादश, एकादशी और द्वादशी के दिन उन समस्त सन्यासियों का तर्पण किया जाता है। फिर उसके पश्चात एक बात फिर आपकी, देखिए हमने कहा था कुछ दो जगह एक काम होता है अकारण मृत्यु का, आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब हमको को किसी अवस्था का हो, वो चाहे कम आयु का हो या अधिक आयु का हो, विवाहित हो अथवा अविवाहित हो, या जो घर से नाराज होके चले गए जी। और उसकी हमको जानकारी नहीं है, अब वो जिंदे या मर गए जी। तो शास्त्रों ने कहा है कि 13 वर्ष तक उनका इंतजार करना है, ठीक है, 12 राशि के 12 वर्ष जी। उसके पश्चात जीव का 1 वर्ष, तो 13वें वर्ष में उनका जो है फिर चाहे वो जीवित हो या मृत हो, क्योंकि उनकी सूचना नहीं है और हमें पितृकर्म का पालन करना है जी। तो वो भी आकस्मिक रूप से माना गया है, तो उसको उस श्रेणी में लेकर जो आकस्मिक मृत्यु वाले होते हैं और जो अज्ञात भाव के पितर होते हैं, जिनकी हमारे जीवन में यह गणना नहीं होती कि जिंदा या मरे हैं, तो उनके नाम से जो तर्पण होता है वो चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। फिर इसके पश्चात अब हम बड़े नास्तिक हैं या हम बहुत कामकाजी हैं और हमारे परिवार में कोई साधने वाला साधन नहीं था जी। या हम दरिद्र गरीब है तो कर्जा लेके श्राद्ध कर्म कभी ना करें, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कभी भी कर्जा ना लें और श्राद्ध ना करें। इसीलिए यहाँ पे तर्पण का विधान है, जल से तर्पण करिए यदि आप पूरा श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं तो, ध्यान रखिए। और उसके पश्चात जो भोग है उसमें लड्डू तक कहा गया है कि बूंदी का मोतीचूर का लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। तो जो अमावस्या की तिथि है, अज्ञात रूप से जो हमारे पितृ है जिनकी हमें जानकारी नहीं है, दूसरा जो हमारे पितृ है अज्ञात होने के साथ साथ जिनकी तिथि का हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम तो नास्तिक थे हमें पता नहीं था जी। या पूरे वर्ष भर हम हमारे पितरों के देहावसन होने के पश्चात कर्म नहीं करते, अमावस्या को तर्पण नहीं करते, सीधा नहीं देते, दान पुण्य नहीं करते, तो उन सबकी शांति के लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, जिसे सर्व पितृ मोक्ष भी कहा गया है, उस दिन उनका तर्पण आदि करना चाहिए। और ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है, यदि तर्पण करने की दशा में ना हो तो दान पुण्य करना चाहिए, कम से कम ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मण भोजन की हैसियत ना हो तो सीधा निकाल के मंदिर में जाके शिवालय में ध्यान, ध्यान रखिए सिर्फ शिवालय में, क्योंकि शिव जन्म मरण प्रण के कारक है, वहाँ जाकर सीधा ध्यान, ऐसा करने से भी आपको पितरों की शांति होती है। बहुत अब अच्छी जानकारी। और दूसरा जो बात आपने कही कि ऋण लेकर ना करें, क्योंकि श्राद्ध पर्व है, श्रद्धा से मनाया जाता है, तो श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को आप मनाएं और जो भी उनको अर्पण करेंगे निश्चित तौर पर वो प्रसन्न होंगे। अच्छा एक बात और बताएंगे सुनीता जी इसमें, कि विशेष रूप से ऐसा देखा गया है कि जो श्राद्ध कर्म होता है ऋण लेके नहीं करना चाहिए,
अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अरबों की आबादी है संसार में सनातन धर्म के लोगों की और अनेकों महाद्वीपों में बसे हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल जम्बूद्वीप में बसे या भारतवर्ष में, पाकिस्तान में भी हिंदू है, अफगानिस्तान में भी है, दुबई में भी है, चाइना में भी है, अरब में भी है, सब जगह हिंदू हैं, चाहे मात्रा कम हो उनकी, लेकिन वो अपने संस्कारों को तो स्वीकार करते हैं। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है कि पितृ संसार में पृथ्वी पर आए। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देंगे कि पितरों का महत्ता क्यों है, इसमें गऊ का स्थान भी क्यों है। आप 1000 गाय एक कोठे में रखिए या एक बाड़े में रखिए और उनमें 10 गाय, बल्कि 100 की 100 गाय हो, वो दूध देने वाली हो, उनके नीचे बच्चे हो, आप देखिए जब उसके बच्चे को छोड़ेंगे, बछड़े को या बछड़ी को, तो सारी गायों को सूंघते हुए चले आएगी, लेकिन केवल अपनी माता का ही दुग्ध स्पान करेगी। और जब दुग्ध स्तनपान वो अपने माता का ही करेगी, अर्थात माता के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार से मनुष्य का जो जन्म है वो भी बड़ा शुद्ध है, तो वो विशेष रूप से जब कभी श्राद्ध कर्म में पितृ जो होते हैं वो पृथ्वी पे आते हैं, तो वो केवल अपने कुल के ही लोगों के दरवाजे पर आते हैं, अन्यत्र नहीं, अड़ोस पड़ोस में नहीं जाते जी। अब ऐसी जो दशा होती है तो उसमें वो ललायित होते कि आप उनके लिए तर्पण करेंगे, उनको पिंडा देंगे, उनका अर्क आदि उनको प्राप्त होगा जी। और आप नहीं करते तो वो क्रोधित हो जाते, बड़े दुष्ट है, फिर आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत काम होने लगते हैं, परेशानी होती है, दुर्घटनाएं होती है, घर में अग्नि का प्रकोप होता है, पति और पत्नी के संबंधों में विघटन, परिवारों का विघटन और पति पत्नी के संबंधों से विच्छेदन होता है, संतान अपंग होती है, संतान आवारा गुंडागर्दी और बदमाशी करने वाली होती है, दुष्चरित्रा हो जाती है, दैत्य प्रकार की संतानें बनने लगती है, तो ये उनके प्रकोप माने गए हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म को जब भी करें बड़े शांति के साथ में, बहुत समझ के करें। इसी प्रकार से जब श्राद्ध कर्म करते हैं क्या नियमों का पालन करना चाहिए, हम इसी कार्यक्रम में आगे भी बताएंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पंडित जी ने दी है कि आप से स्नेह के कारण यम के द्वारा छोड़े गए आपके पूर्वज जब इन तिथियों में आते हैं तो वो कुछ स्नेह के साथ आते हैं, तो उनके लिए तर्पण विशेष रूप से करना चाहिए। और एक जानकारी और कि आप किसी जानकार पंडित से ही करवाएं ये जो श्राद्ध का पूरा जो संस्कार होता है पंडित जी, जो तर्पण की विधि होती है, विधि पर भी बात कर लें, काले तिल कुछ का विशेष महत्व होता है उसका, उसके बारे में आप जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए काला तिल है जी, कुशा है, पटा है, थाली है, दक्षिण दिशा है, पत्तल है जी, पंचबली है, ये इसके अंदर बड़ी विधि है। अब इस विधि के पहले एक बात थोड़ी सी जो मेरे मन में है जो जी, बता देना बहुत ठीक है क्योंकि कहीं कार्यक्रम का समय ना खत्म हो। अधिकांश ऐसा देखने को आया है कि शास्त्र की बातों को करते हुए हमारा पुरुष प्रधान समाज एक भ्रम फैलाता है, और वो भ्रम क्या फैलाता है कि पितृकर्म करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, स्त्रियों को नहीं है। बिल्कुल, और इसका हमने जो वेद शास्त्र आदि का पुराणों का अध्ययन करे तो मार्कंडेय पुराण में वर्णन है जो हम आपके बता रहे हैं, उसके अनुसार यह है कि जो महिलाएं हैं वो भी श्राद्ध कर्म की भागी होती है। अब कैसे होती है, साल भर का जब अन्न का भंडारण हम करते हैं और उसमें जब उसे भरते समय जो अन्न नीचे गिर जाता पृथ्वी पर, उसे बखरना कहते, बिखरना नहीं कहते, बखरना, ऐसी चूल्हे में जब दूध तपाते हैं, दूध नीचे गिर जाता है या बनाता हुआ भोजन नीचे गिर जाता है, तो वो पितरों का अंश होता है, वो स्त्री से लेकर जाता है जी। इसी प्रकार से दूसरा कहा गया कि देखिए महाभारत काल में जब युद्ध हुआ तो पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया, अंत में द्रौपदी दुखी बैठी थी, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी सखा भी हो, तुम मेरी बहन भी हो, तुम मेरे लिए देवी भी हो, तुम बताओ तुम्हारे पास दुख क्या है, अरे मैं विराट सम्राट तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। तो उसने कहा कि प्रभु जब कभी मैं सोलह श्राद्ध महालय के ऊपर चिंतन करती हूँ तो मेरी अंदर से आत्मा कांप जाती है कि मैं कैसे कुल में जन्म लेके आई हूँ कि जहाँ पर सारे पितर जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर गए लेकिन उनका तर्पण करने वाला कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो वो स्थान क्या था, वो दुग्भंजन मंदिर कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, उससे लगा हुआ स्नेहल सरोवर है और उससे लगा हुआ सूर्य कुंड। देखिए हमने अभी सूर्य का वर्णन किए थे ना, रक्त से संबंध है, तो ये तीनों चीजें वहां पर थी। तो वहां कृष्ण ने उनसे चर्चा करी और उन्होंने विराट स्वरूप का दर्शन करा, उन्होंने कहा देवी तुम्हारा तो तर्पण हो गया क्योंकि तुमने विराट स्वरूप का जो दर्शन कर लिए तुम्हें मोक्ष मिलेगा। उसने कहा मेरे मोक्ष का प्रश्न नहीं है, मेरे कुल के लोगों का है। तो उन्होंने कहा तुम ध्यान रखो जो भी स्त्री श्राद्ध के काल में या श्राद्ध की तिथि में स्नेहल सरोवर में आके, वहां पर स्नेहल कहा जाता शब्द, अपने यहाँ स्नेहल कहते हैं,
वहाँ जाकर यदि कोई स्त्री अपने केस का मुंडन कराएगी और विधि विधान से ब्राह्मणों के विधान के साथ में बैठकर पिंड का दान करेगी तो उसके कुल के समस्त पितरों का मोक्ष होगा, उसे भी अधिकार दिया गया। ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए इसकी विशेष व्याख्या करना हमने आवश्यक समझे। बिल्कुल। फिर आपने विधि कहा था, तो विधि के अनुसार ये कि श्राद्ध कर्म जब है हम करते हैं, अंतरायाग से शुद्ध रहें, 16 दिन तक दाढ़ी ना बनाए, बाल ना कटाए, झूठ ना बोले, नखन ना काटे, कोई भी कर्म शरीर के सौंदर्य प्रसादन से संबंधित ना करें। यहाँ तक कि 16 दिन तेल भी लोग सिर पर नहीं लगाते थे और साध सज्जा भी नहीं करते थे। सबसे पहले सुबह सो के उठे, सूर्य का ध्यान करें, सूर्य को अर्क दें, उसके पश्चात जो पितृ की तिथि उस तिथि के अनुसार महिला जो परिवार की कुल की सबसे बड़ी होती है या जो भी सुहागन महिला है जो शुद्ध है, वह आंगन में गोबर लिख के एक चौकोर चबूतरा या चौकोर स्थान बना दे, उसके ऊपर वहाँ दो पट्टे रखें, दक्षिण दिशा में मुख करके घर के पुरुष बैठे, बाएं दक्षिण दिशा में मुख कर बैठे और उनके सामने जो पट्टा है उसके ऊपर एक थाली रखें, उसी प्रकार से दूसरी तरफ एक थाली लोटा और उसमें काला तिल जरूर डालें और फिर कुसा की अंगूठी हाथ में पहने या कुसा हाथ में ले, उसके पश्चात जो कर्म करें, पितृ का कर्म इस अंगूठे से होता है, ध्यान रखिए अंगूठा। दूसरा, उनको जो तिलक लगाते हैं, सारे देवताओं का पूजन करते हैं तो अनामिका से लगाते हैं, लेकिन पितरों को जो तिलक करते हैं वो तर्जनी से करते हैं, तो उनको स्मरण करें, स्मरण करने के पश्चात उनको जनेऊ धारण करके बैठें, ये ध्यान रखें, फिर तर्पण करते चलें। तर्पण करते समय अपने जिन पितरों की तिथि का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उनको मन अंतःकरण स्मृति पटल में रखें और उनका आह्वान करें कि आप अपना तर्पण स्वीकार करें। यह करने के पश्चात फिर पांच बलि होती है, उसके अंदर कौवे की, गाय की, और कौवा, गाय, कुत्ता, बामन और खग, क्योंकि तिर्यक योनि, खग योनि, वन योनि, वृक्ष योनि, ऐसे अनेकों प्रकार की योनियाँ बताई, इन सबके पत्तल निकालें। पत्तल निकालने के बाद उनका जो है कौरा बनाएं, कौरा बनाने के पश्चात जो है उसे ले आकर नियत स्थान पर रखें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराएं? शास्त्रों ने कहा है कि ब्राह्मण जाति का जो व्यक्ति कर्मकांड को करता हो या जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेता हो, जिसका कुल ब्राह्मण हो जी। ये बात बिल्कुल गलत है कि लोग कहते हैं कर्म से ब्राह्मण बनते, गलत बात करते हैं ये लोग, धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण होता है और उसे ही अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ के अंगूठे में और पैर के अंगूठे में पितरों का वास होता है, इसलिए उनके पैर धुलाएं, पहले पैर पखारें, उसके बाद उसका जल अपने घर में चारों तरफ छिड़के, उसके बाद शुद्ध स्थान पर ब्राह्मण को बिठाएं। तर्पण आदि सब होने के पश्चात पत्तल निकालें, मंत्र वेद के साथ में, वैदिक मंत्रों के साथ में उसको समर्पित करें, फिर उन्हें ले आकर यथा स्थान रखें और ब्राह्मण को प्रेम से बैठकर घर के महिला पुरुष जो है भोजन करावें, और भोजन कराने के पश्चात उसे फिर जो है वस्त्रदान, द्रव्यदान, धातु दान, जो भी करना हो आपको, कुछ लोग सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जो करना है, कोई पात्र देता है, जो आपकी हैसियत हो, कुछ भी ना हो तो एक मुट्ठी अनाज केवल आप दे दीजिए, वो भी ना हो तो अपना सिर जो उनके चरणों पर रख दीजिए, और वो आपके पितरों को शांत करने के लिए मंत्रों को पढ़ते हुए जब निकलते हैं तो पितर का जो है अपने आप समन हो जाता है दोषों का और शांति मिल जाती है। और इस प्रकार से पितृकर्म को नियमित कर्म में करना चाहिए। पितृकर्म करने के लिए सबसे बड़ा या सबसे छोटा निर्धारित है, लेकिन जो बीच के है, मंझले, संझले आदि कहलाते हैं, वो भी जो पितरों का स्मरण करके तर्पण आदि कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। केवल पिंडादान नहीं कर सकते, लेकिन काग बलि की जो पत्तले निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य आदि भी सब कुछ करें, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से पितृकर्म को हंसी खुशी के साथ में हम मनाते हैं और पितरों को प्रसन्न करते हैं। पितरों की प्रसन्नता से सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य और अन्न आदि आपको प्राप्त होता है। ध्यान रखें, मनोचित अनुसार, व्रति के अनुसार स्त्री की प्राप्ति होती है, इसलिए आपको इस कर्म को सदैव सहर्ष, सहज भाव के साथ समर्पित होकर करना है, इसे बोझ ना समझे, ये ध्यान रखिए। जी, ये बहुत बड़ी बात, मन में बोझ हो तो बिल्कुल ना करें, फिर केवल हाथ जोड़ लें, लेकिन बोझ करके ना करें, कर्ज ना लें। तो आज हमने श्राद्ध पर्व, जिसे महालय कहा जाता है, षोडश श्राद्ध कहा जाता है, उसकी विशेष तिथि क्या होती है और जो तरह तरह के सवाल, जिज्ञासाएं जो आपके मन में आते हैं, पंडित राजेश दुबे जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनका समाधान बताया, किस तरीके से आप किस स्थिति में और किस तरीके से इन श्राद्ध पर्व को मनाएं, ये आपको बताया गया। पंडित जी, कुछ और विशेष अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहें इसके लिए। जैसा आपने कहा था कि जन्म कुंडली में यदि किसी के पितृदोष है तो उसे क्या करना चाहिए? जी, यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है तो ये काल सबसे अच्छा है, इसमें नारायण नाग बलि, नंदी श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए, ये एक विशेष है।
चलिए, बहुत अच्छी जानकारी पंडित राजेश दुबे जी के द्वारा दी गई। और श्राद्ध पर्व जिस प्रकार से नाम है, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, जितनी आपकी हैसियत है, जितनी शक्ति है, उस अनुसार अपने पितरों को आप मनाइए। पितृ दोष अगर कुंडली में है तो घबराने की बात नहीं है। इन दिनों में जो श्राद्ध पर्व मनाया जाता है, आप अपनी कुंडली के सारे दोषों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि किसी जानकार पंडित के पास जाकर ही आप अपनी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान कीजिए। आप पंडित राजेश दुबे जी से भी संपर्क कर सकते हैं। और आज न्यूज वर्ल्ड के इस विशेष कार्यक्रम में ग्रह चक्र में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार।